एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं अलीबाग में हूँ एंड अंदर से बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि आज मैं वो कर रही हूँ जो मैं हमेशा से करना चाहती हूँ, ट्रैवल एंड ट्रैवलिंग विद फ्रीडम। वॉट इज फ्रीडम? क्या कोई यहाँ इस दुनिया में फ्री है? पता नहीं, इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है, पर क्या हम सब फ्री होना चाहते हैं? इसका जवाब ज़रूर हाँ है। हम सब फ्री होना चाहते हैं। सब कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, कोई जिम्मेदारियों में, कोई मुश्किलों में, कोई अपनी सोच में। बट खैर, हर एक इंसान अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है, कहीं ना कहीं से निकलकर अपने मंजिल तक पहुंच ही जाता है। बट क्या आपने ऐसा महसूस किया है कि आप अपना ड्रीम जी रहे हो? मेरा ट्रैवल के साथ कुछ ऐसा ही रिश्ता है। बहुत सुकून सा लगता है जब मैं अपनी ही मंजिल पर रहती हूँ। बहुत ही ग्रेटफुल फील करती हूँ कि मैं सारी जगह घूम सकती हूँ और अपने लोगों के साथ ट्रैवल कर सकती हूँ, वेयर आई कैन जस्ट बी माई सेल्फ। आज मैं हूँ अलीबाग में, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। मुंबई से फेरी ले सकते हैं यहाँ पर आने के लिए, बहुत सा धक्का, या फिर गेटवे ऑफ इंडिया से, जो अप्रॉक्स 1 आवर लगता है एंड वो आपको अलीबाग पहुँचा देता है। यहाँ पर समंदर के आसपास बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं जहाँ आप अपने होटल को बुक करके प्यारा सा व्यू देख देख कर रह सकते हो। यहाँ पर के रास्ते एकदम गांव की याद दिलाते हैं मुझे। बीच से कुछ ही दूर में 2 फोर्ट्स हैं, खंडेरी एंड कोलाबा फोर्ट, जो बीच से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, और हम आ गए हैं कोलाबा फोर्ट में। यहाँ पर बोट्स भी जाते हैं अगर पानी भर गया हो तो, बट अगर पानी नहीं भर गया तो इट्स अ वॉकिंग डिस्टेंस ऑफ अराउंड 10 मिनट्स। किला तो अमेजिंग है ही, बट यहाँ पर कल्चर का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा गया है। यहाँ पर एक सिद्धि विनायक मंदिर है, हनुमान मंदिर है और एक शिव मंदिर है। खासकर यहाँ पर फरवरी के महीने में बहुत भीड़ होता है, क्योंकि यहाँ पर गणेश जयंती मनाया जाता है। पूरे अलीबाग के लोग यहाँ आते हैं, पूजा होती है, प्रसाद बँटते हैं और यहाँ पर खाना भी होता है। ये बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होता है यहाँ पर का। ये मंदिर करीब 400 ईयर्स पुराना है, बट यहाँ पर रीडेवलपमेंट होता रहा है क्योंकि पुराने मंदिरों में छोटी छोटी चीज़ें टूट गई हैं। कोलाबा किला एक सैनिक चौकी हुआ करता था। ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर अपनी जगह बनाने की बहुत कोशिश की, बट वो कोलाबा किले को अपना नहीं बना पाए। 1787 में यहाँ पर आग लगने की वजह से बहुत कुछ ख़राब हो गया था, और ब्रिटिशर्स ने उन लकड़ी और पत्थरों को अलीबाग जलधारा में नीलाम कर दिया। दैट इज़ ऑल अबाउट द कोलाबा फोर्ट। आई होप आप लोग को मेरा वीडियोस बहुत अच्छा लग रहा है। अगर कुछ भी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर नए जगह पे मुझे देखना चाहते हो तो प्लीज़ वो जगह का नाम बताओ, मैं ज़रूर वो सब एक्सप्लोर करना चाहूँगी। टिल देन, टाटा, बाय बाय। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। मेरे तो डे का एंड हो गया, मैं बोट पकड़ के निकल गई हूँ मुंबई की तरफ, और ये बोट का सफ़र और भी अमेजिंग था। यहाँ पर अल्बर्ट रॉस करके जो चिड़िया होती है पूरे रास्ते हमें साथ दे रही थी। पानी और चिड़िया को देख देख कर हम पहुँच गए गेट ऑफ इंडिया, और फिर हम चले गए घर। This trip was an amazing one. I hope you love it. Please, please, please shower your blessings and your love. It's much needed. Thank you so much. Bye-bye.